हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपको बताऊंगी चावल की एक ऐसी रेसिपी जो ना आपने अभी तक ट्राई नहीं किया होगा। तो आप मेरी वीडियो को देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक प्याज को कट कर लिया था, आधा कैबेज कट कर लिया था, दो टमाटर कट किया है और चावल और चने की दाल को धुल के रख लिया है। अब मैंने कुकर को फ्लेम पर रख दिया है। अब थोड़ा गर्म हो जाए तो मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया। थोड़ा ऑयल अब गर्म हो जाए तो हम इसमें एक चम्मच जीरा ऐड कर देंगे। जब मेरा जीरा थोड़ा चटक जाए तो इसमें एक खड़ी लाल मिर्च ऐड कर दिया। थोड़ा जब ये थोड़ा भून जाएगा तो मैं इसमें ऐड करूँगी कटा हुआ प्याज। मैंने इसमें कटा हुआ प्याज ऐड कर दिया और इसे थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें कूटा हुआ अदरक, लहसुन और मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। आप जब ये ऐड करते हो ना तो इससे टेस्ट बहुत अलग आता है और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी आपकी बनती है। जो भी बनती है आपकी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसको आप सारी रेसिपी में चाहे तो ऐड कर सकते हैं। प्याज सॉरी मिर्च और अदरक का पेस्ट और लहसुन का मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको हम थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे। जब ये लाइट ब्राउन भुन जाए तो मैं इसमें ऐड करूँगी कटा हुआ कैबेज। आप देख रहे हैं मैंने कटा हुआ कैबेज ऐड कर दिया है। अब इसे हम थोड़ी देर तक रोस्ट करेंगे। जब ये हल्का रोस्ट हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ मसाले। देख सकते हैं मेरा ये हल्का ब्राउन भुन गया है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी आधी चम्मच, आधी चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा गर्म मसाला। तो मैंने थोड़ा गर्म मसाला ऐड कर दिया है और इसमें थोड़ा नमक ऐड करेंगे। तो हाफ स्पून मैंने नमक ऐड कर दिया इसमें और इसे अच्छे से भून लेंगे। जब ये थोड़ा अच्छे से भून जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ टमाटर और इसे हम थोड़ी देर तक कुक करेंगे। जब मेरा ये कुक हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे चावल और दाल धुला हुआ। तो ये मेरा चने का दाल है तो हम इसमें ऐड करके थोड़ी देर तक मिक्स कर लेंगे। देन हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो देखिए मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया है और हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और दो विशल आने तक का वेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा दो विशल आ गया। अब हम कुकर का ढक्कन हटाएंगे। अब देख सकते कितना ही मतलब देखने में तो यम्मी दिख ही रहा, खाने में तो बहुत ही था। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपकी रेसिपी ये कैसी बनी है। अब मैं इसमें ऊपर से कुछ धनिया ऐड कर रही। तो आप मेरी रेसिपी को एंजॉय करिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।